वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग गाइज। और कुछ दिन पहले मैंने अपडेट दिया था आपको कि वैभव भाई का एक्सीडेंट हो गया था। तो आप लोगों ने वीडियो अगर देखी होगी तो हम लोग उसके साथ में एजेंसी गए थे, लेकिन अभी वहाँ पे कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद फिर अगले दिन वैभव भाई अकेले गया था, तो उसने आगे की जो प्रोसीजर करवाया वो कैसे करवाया है तो भाई बताओ कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे, क्या क्या पेपर्स लगे थे और क्या क्या डिटेल्स तुम्हारी मांगी थी वहाँ पे। भाई वैसे तो गाड़ी का बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका था, अभी आपको बाइक दिखा देते हैं पहले ज़रा। सो गाइस ये रही बाइक और बनके आ चुकी है बिल्कुल। जहाँ पर ये हेडलाइट मेरी बहुत थोड़ा सा स्क्रैच आ गया था, इतना सा स्क्रैच आ गया था, बिल्कुल इतना सा, करीब 1 इंच जितना स्क्रैच आ गया था इसमें। और ये हेडलाइट पूरी चेंज हुई है और ये जो हेडलाइट का जो कॉलम है इसमें भी स्क्रैच आ गया था यहाँ पर थोड़ा सा। और ये तो निशानी हमारी बन गई है एक्सीडेंटल परमानेंट, निशानी परमानेंट नहीं है कह सकते, लेकिन इसको मैं चेंज करा लूंगा कभी आगे। और ये इंडिकेटर हमारा डैमेज हो चुका था, इसका मुझे पास फोटो है। और यहाँ पर हमारा ब्रेक फोटोज आपको आगे हम दिखाएंगे कि बाइक कैसे, मतलब क्या क्या डैमेज आया हुआ था उसमें। और ये ब्रेक लीवर मेरा खराब हो चुका था, यहाँ पर पूरा ब्रेक मैकेनिज्म ही खराब हो चुका था इनफैक्ट। और ये मेरा ये साइड मिरर जो रेयर व्यू मिरर है ये भी मेरा डैमेज हो चुका था पीछे से, ये भी कंपनी ने नया लगाया है। और बाकी देखा जाए तो बाइक में ये मेरा लेग गार्ड मेरा पीछे को मुड़ गया था और इसमें भी स्क्रैचेस थे, तो इसको भी पूरा चेंज किया, पूरा चेंज कर दिया इसको, ये भी पूरा चेंज है, ठीक है। बाकी बाइक में कहीं और भाव हाँ। और ये साइलेंसर में भूल गया था, साइलेंसर का ये जो कवरिंग है ये भी चेंज हुआ है, ये और साथ में ये भी, बस इतना डैमेज आया था। और साथ ही साथ इसमें डैमेज आया था ये भी कंपनी ने मुझे नया लगा करके क्लेम में दे दिया है। और ये हमारा ये जो ये मीटर का जो कॉलम है, मीटर कॉलम जिसे कहते हैं हम लोग, ये मीटर कॉलम भी मेरा टूट चुका था गाइस, यहाँ से पूरा इधर आ जाना, इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। अभी मीटर कॉलम है ये, इसका जो इम्पैक्ट है वो पूरा इस जगह पर पड़ा था जिससे ये पूरा टूट गया था। और ये हमारा मीटर भी डैमेज कर गया था, यहाँ से मीटर जो हमारा है बिल्कुल सही दिख रहा था, लेकिन जब वो मीटर को ऑफ कर रहे थे तब उस टाइम पर मीटर झलक रहा था, हालांकि मुझे ऐसा नहीं दिखा, लेकिन कंपनी ने ऐसा देख करके मुझे कॉल करके बोला कि सर आपके मीटर में भी प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा कि यार मीटर में तो कोई इशू नहीं था, तो मैं तो सोच रहा था कि कुछ हो सकता है कुछ कहीं ऊपर इशू ना हो, हाँ लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कंपनी ने बहुत ज्यादा ट्रस्टफुल काम किया, बिल्कुल ट्रस्टवर्दी रही कंपनी की, मेरे को सपोर्ट और सर्विस बहुत ही अच्छी रही। बाकी गाड़ी मुझे पूरी वॉश करके मिली थी और पूरा अच्छे से सब कुछ बढ़िया से मिला था। बाकी क्लेम में क्या क्या लगा है वो डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ। उसमें हमारा लगा था मेरा DL और आधार कार्ड, पैन कार्ड और गाड़ी की RC और मेरा इंश्योरेंस का जो पेपर था वो लगा था, तो इतनी चीजें लगी थी। और ये मैं पूछना चाहता हूँ कि कितने दिन में आपकी बाइक जो है बन के आ चुकी थी? मेरी बाइक आ गई है 17 दिन में, 17 दिन मुझे बाइक को वेट करना पड़ा बाइक के लिए। और थोड़ा सा मैंने प्रेशर भी क्रिएट कर दिया था भैया के ऊपर, जो मैनेजर थे सर्विस सेंटर के, तो हालांकि उन्होंने कहा कि भाई, लेकिन जिस हिसाब से तुमने सारी चीजें चेंज करवाई है उस हिसाब से तुमको बहुत जल्दी बाइक मिल गई है, अगर देखा जाए तो बाइक बहुत जल्दी मिल गई, क्योंकि बाइक जो है इसकी ये बाइक ही अवेलेबल नहीं हो पा रही है शोरूम में, पार्ट्स जो इसके अवेलेबल नहीं है, पार्ट्स तो बहुत मुश्किल से हो ही रहे हैं, गाड़ी भी खुद नहीं अवेलेबल हो पा रही है, गाड़ी की इतनी रश इतनी डिमांड है, इसका माइलेज भी अच्छा है, गाड़ी का लुक्स अच्छे है, गाड़ी अच्छा वगैरह, रेट भी काफी सही है, अगर प्राइस में भी अच्छी है, तो ये कुछ इस तरीके का रहा। बाकी इधर कोई डैमेज नहीं था, सारा का सारा डैमेज राइट साइड पर था इनफैक्ट, और मेरे भी चोट लग गई थी थोड़ी बहुत माइनर सी हाथ में, तो बस इतना सा रहा। बाकी क्लेम लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, और बाकी क्लेम में सपोर्ट बहुत ही अच्छा रहा है, हर मैंने जितनी बार भी कॉल किया है सर्विस सेंटर में हर बार मुझे आंसर दिया, उसका अच्छा था। वहाँ के जो एम्प्लॉयज थे काम करने वाले, मैं वर्कर बोल के खिमेस्ती नहीं करना चाहूँगा, वहाँ के जो एम्प्लॉयज थे बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही अच्छे से बात करी, हालांकि मैनेजर से पहले ही वर्कर वहाँ के जो, या फिर कह सकते हैं कि जो एम्प्लॉय थे, उन्होंने मुझे डील करा और मेरी सारी की सारी समस्याओं का समाधान। और इन सब प्रोसेस के बीच में आप में कोई मतलब इशू तो नहीं आया? कोई इशू नहीं आया, मैं कॉन्टैक्ट में था लगातार, वहाँ के जो मैनेजर थे उनके कॉन्टैक्ट में था, और वहाँ का जो एम्प्लॉय था जो कि गाड़ी की सर्विस में काम करता है उसने भी मुझे सपोर्ट काफी दिया, उसने खुद का भी नंबर दिया, उसने कहा भाई कोई इशू हो तो मुझे बताना, मैंने सारे के सारे इशू बता दिए थे। और मेरी गाड़ी का अलाइनमेंट भी आउट हो गया था, जो सेंटर है वो भी आउट हो चुका था, तो इसकी वजह से हैंडलिंग में भी प्रॉब्लम होने लगी थी, तो मैंने वहाँ पे सर्विस में ये भी बताया कि मेरे हैंडलिंग में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको देख लेना, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि दिखती नहीं है लेकिन हो जाती है।
तो एंड में मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो तुम्हारा टोटल चार्ज पड़ा है सब कुछ क्लेम करने के बाद, सारे प्रोसेस खत्म करने के बाद, जो चार्ज पड़ा है वो कितना पड़ा है तुम्हारा? तो फ्रेंड्स, जो मेरा पूरा का पूरा कॉस्ट आया है इस गाड़ी को बनवाने के लिए, देखा जाए तो बिल्कुल जीरो था, क्योंकि इसमें मेरा जीरो डेप्ट था पूरा इंश्योरेंस मेरा। अभी कितने दिन की गाड़ी हुई है अभी? ये गाड़ी मैंने ली थी अक्टूबर में, और ये जनवरी में 9th जनवरी को मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और मुझे 28th जनवरी को मुझे बाइक मुझे रिसीव हो गई है। मुझे कॉल आ गया था कि सर अपनी बाइक आके ले जाइए, और मैंने अपनी बाइक ले ली और ये बिल्कुल ब्रांड न्यू हो गई। और जो इसमें खर्च आया है टोटल वो करीब आया है 1000 रुपए उन्होंने मुझसे अभी जमा, क्योंकि मुझे गाड़ी की बहुत ज्यादा नीड थी और घर में भी बहुत ज्यादा जरूरत थी और दिक्कत बहुत ज्यादा हो रही थी। तो मैंने भैया से रिक्वेस्ट करी, और उन्होंने जो मैनेजर थे उन्होंने कहा कि ऐसा करिए सर, आप ये कर सकते हैं कि जो ड्यू अमाउंट होती है वो मुझसे उन्होंने कहा कि यार उसको वो अभी आने में करीब 2 से 3 दिन लगे, क्योंकि वहां पर जब पूरा क्लियर हो जाएगा तब मुझे ड्यू अमाउंट दे दी। तो उन्होंने अभी तक कोई चार्ज नहीं लिया तुमसे? नहीं नहीं, चार्ज ले चुके हैं उन्होंने मुझसे 1000 रुपए अभी जमा करा लिए इस टाइम पर। और अभी उन्होंने कहा जब डीओ अमाउंट आ जाएगा तो अगर वो कम होगा तो मुझे बचे हुए पैसे रिटर्न हो जाएंगे। तो मतलब जो डीओ चार्ज है तुम्हारा वो 1000 रुपए से भी नीचे आया? 1000 रुपए से भी नीचे आ सकता है, देखो मैं कोई श्योर नहीं हूँ, अभी मंडे को ही चीज़ लेना। तुम्हारे जो पैसे हैं 1000 रुपए में से भी वापस हो सकते हैं? अगर 1000 से कम हुआ तो मेरा जो डीओ अमाउंट कट करके जो बचा होगा पैसा होगा वो मुझे रिसीव हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने मुझे एक रिसीविंग दे रखी वो दिखा करके मैं वो क्लेम मतलब पैसे वहां से ले सकता हूँ बचे हुए। तो और बाइक आप देख सकते, कंडीशन दिखा देते हैं बाइक की, बिल्कुल बाइक की कंडीशन बिल्कुल नई, जैसे ब्रांड न्यू कर दिया है भाई बाइक को, बाइक बिल्कुल ब्रांड न्यू। और ये जो नंबर प्लेट है इट इज अ पार्ट ऑफ आरटीओ, ये क्लेम में नहीं आती है, ये क्लेम में नहीं आती, ये आरटीओ का पार्ट है, तो ये नहीं चेंज हुआ, बाकी सब कुछ चेंज हो गया। गाड़ी भी तो ब्रांड होगी। मतलब जो चीजें क्लेम में आती हैं केवल वही चेंज होती है, ये आरटीओ के उसमें अंडर में आती है। तो गाइज आपकी नंबर प्लेट तो नहीं चेंज होगी, इसको आपको अलग से नया लगवाना पड़ेगा पैसे देके। तो बाकी कुछ ऐसा ही था रिव्यू, और क्लेम मैंने इसी तरीके से यहाँ पर क्लेम किया बाइक का, और ज्यादा खर्च भी मेरा नहीं आया, 1000 रुपए ही आया है खर्च, और शायद हो सकता है इससे भी कम आया है खर्च। बाकी और ज्यादा डिटेल्स के लिए आप कमेंट्स भी कर सकते हैं आदर्श के कमेंट सेक्शन में नीचे, और बाकी आपकी सारी के सारी परेशानी अगर कुछ इससे रिलेटेड होगी, अगर आपको बाइक का क्लेम लेना है, कैसे लेना है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लोग वहाँ पर मेंशन करते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम लोग सारी डिटेल्स आपको दे देंगे। वैसे भी हम लोग डिस्क्रिप्शन में इसको मेंशन कर देंगे, तो क्योंकि मैं और आदर्श दोनों ही मिलकर के इस चैनल का सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि चैनल आदर्श का है, सपोर्ट मेरा भी रहता है, तो मैं कोशिश करूंगा, आई विल मेक श्योर दैट कि जो आपके डिस्क्रिप्शन में जितने भी इसके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे और ये सब चीजें मैं वहाँ पर मेंशन करवा दूंगा आदर्श साथ मिलकर के। सारी डिटेल्स आपको दे दिए है कि क्लेम में क्या क्या लगेगा, क्या नहीं लगेगा, और गाइज कैसे गाड़ी बन के आएगी, कितने दिन में बन के आ जाएगी, क्या चार्ज पड़ेगा। और गाइज वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, सी यू सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन बाय बाय।